अषाढ़ के मौसम में तो झमाझम वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि जुलाई का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन गर्मी मई जैसी ही है। दोपहर में चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल हैं, तो रात में उमस ने परेशान कर रखा है। वैसे मौसम विभाग की माने तो आज भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, तो वहीं कुछ समय के लिए बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकती है। वहीं कल से लगातार 3 दिनों तक जोरदार बारिश का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज और आसपास जुलाई की शुरुआत में ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी। इससे हालांकि 1-2 दिन के लिए राहत जरूर मिली थी, उसके बाद मौसम ने अपना रुख बदल लिया। वहीं बुधवार की सुबह से आसमान साफ है, सूर्य की किरणें शरीर में चुभ रही हैं, पसीने से लोग तर बतर हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में आज 20 जुलाई को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं कल गुरुवार को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच जोरदार बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।